श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि आंख आना जो बीमारी होता है, ये रोग फैलता कैसे है, और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। देखिए, ये रोग दूषित हाथ या उंगलियों आंखों पर लगाने से, दूषित तौलिया रुमाल आदि से आँख पोंछने से और रोगी की अन्य दूषित चीज़ों के प्रयोग से फैलता है। समझिए, आपने एक आँख, आपको इसमें आँख आया हुआ है, आपने इसको मसला, अब इसी से आपने दूसरा आँख टच कर लिया तो फैलने के फुल चांस है, या उसी रुमाल को आपने इधर इस्तेमाल कर लिया तो इस तरह से फैल सकता है। मक्खियाँ भी इस रोग को एक रोगी से दूसरे रोगी तक पहुँचा देती है। यह रोग धूल, धुआं, गंदे पानी में नहाने या रोगी की सुरमा डालने की सप्लाई जो होता है, डालने की सलाई का इस्तेमाल करने से या एक ही उंगली द्वारा एक से अधिक बच्चों को काजल लगाने से भी हो जाता है। अब इसकी रोकथाम के बारे में आपको बता देते हैं। इस रोग की रोकथाम का सबसे उत्तम उपाय है साफ रहना, सफाई के प्रति सावधानी बरतना और पास पड़ोस को साफ सुथरा रखना। रोगी के प्रतिदिन काम आने वाले के लिए जो रुमाल इस्तेमाल करता है, वस्त्र जो इस्तेमाल करता है, जब तक अच्छी तरह से साफ नहीं कर लें, दूसरे के कपड़ों के साथ नहीं मिलाएं, भीड़ भाड़ से आपको बच के रहना पड़ेगा। घर में सभी के लिए सुरमा सलाई का उपयोग न करें, आंखों में काजल नहीं डालें, आंखें नित्य ठंडे और साफ पानी से धोएं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सप्लाई करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।